नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता अभी न होगा मेरा अंत। तो कविता शुरू करने से पहले हम कविश्री का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो देखें, फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्ति में कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई और इसके पश्चात इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और युवावस्था तक आते आते पत्नी, भाई, भाभी, चाचा आदि सभी परिवारीजन महामारी की भेंट चढ़ गए और अंत में इनकी परम प्रिय पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के इस तांडव से निराला टूट जाते हैं, दुखी होते हैं। उनकी करुण व्यथा सरोज स्मृति, जो उनकी पुत्री को समर्पित इनकी काव्य रचना है, नामक रचना के रूप में बाहर आई। सन 1961 ईस्वी में हिंदी के निराले साहित्यकार का देहावसान हो गया। अब देखिए, हम साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। तो कविवर निराला ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अलंकृत किया। उन्होंने काव्य रचना के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, आलोचना पर भी अपनी कलम चलाई है, किंतु मुख्य रूप से निराला जी एक कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी रचनाएं छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित हैं। निराला जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें हम तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, लीली, चतुरी चमार, अपरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। अब देखिए, हम कविता के संबंध में थोड़ा देखते हैं। यहाँ इस पाठ में कवि की दो कविताएं ली गई है, एक तो अभी ना होगा मेरा अंत और दूसरी है मातृवंदना। तो देखिए, कवि अभी ना होगा मेरा अंत कविता में कवि ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा है कि उनके जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं। यद्यपि काल में उनकी परिजनों को छीनकर, उन्हें बार बार चोट पहुंचाई है, उन्हें बार बार आघात पहुंचाया है, किंतु उनकी जीवंतता को वह नहीं छीन पाया। अभी तो उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात अभी तो उनके जीवन में युवावस्था आई है, उत्साह वाला जीवन आया है उसका। वह अपनी रचनाओं से सोते हुओं को जगाएंगे, ऐसा उत्साह है कवि के भीतर। निराश जीवनों में आशा और उत्साह भरेंगे। उनकी रचनाओं में निरंतर प्रौढ़ता और प्रेरणा आती जाएगी। उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहते हैं कवि निराला जी कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदु वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पास डालियां भरियां कोमल गाल, मैं ही अपना स्वप्न ढके कर फेरूंगा निश्चित गलियों पर जगह है प्रत्युष मनोहर। देखो कितने सुंदर विचार है कवि के, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरी काव्य रचना का अंत नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अर्थात कवि कहते हैं कि अभी तो मेरी काव्य रचना का शुरू, मेरी काव्य रचना का
माध्यम से सीखा, दूसरे के माध्यम से करूँगा, तो इस प्रकार मेरा पूरा जीवन मेरे से होकर खड़ा है तो मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन की जीवन अभी बड़ा है, आगे सारा यौवन स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता है, बाला जीवन मेरे ही अमूल्य लाभ से विकसित होगा, बंधु दिन अभी में होगा मेरा अंश। क्या कहते हैं कभी, अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण अर्थात बाल्यावस्था है, इसमें कहाँ मृत्यु, बिल्कुल याद कर ले। और इसकी अभी दूसरी कविता है, इसकी बात करूँ मैं ना,